वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ स्ट्रेट पैंट। ये स्ट्रेट पैंट जेंट्स एंड लेडीज़ दोनों पहन सकते हैं। और प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए अपना ये वीडियो आज का हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 1 इंच का मार्क करूँगी, क्योंकि 1 इंच का मैं पहले इसलिए मार्क करूँगी क्योंकि मेरा फैब्रिक जो है वो छोटा बड़ा है। एक साइड से जो आप साइड देख रहे हैं, इस साइड से थोड़ा सा बड़ा है और दूसरे साइड से छोटा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये मैंने 1 इंच पर मार्क किया। फिर इस 1 इंच पर मार्क करने के बाद हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन के थ्रू इस तरीके से। जी, इस तरीके से हमने इसे मिलाया और अब हम इसे कट कर देंगे ताकि बाद में कंफ्यूजन आपको भी ना हो। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमने 1 इंच का मार्क किया था, ये हमने कट करके निकाल दिया। तो अब ये हमारा फैब्रिक जो है बिल्कुल बराबर हो गया है। तो पहले हम 2 इंच का फिर से मार्क करेंगे। ये 2 इंच का मार्किंग हम इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने जो हमारा स्ट्रेट पैंट है इसके अंदर हमें नाड़ा, इलास्टिक, हम जो चाहें वो लगा सकते हैं। हमें ऊपर से कपड़े जोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली। तो इसी में हम 2 इंचेस का मार्क लगा करके इसको स्ट्रेट करेंगे, लाइन खींचेंगे। इसके बाद अब हम अपने पैंट का प्रोसेस शुरू करेंगे। इलास्टिक का हमने कर लिया इसके नीचे। इसके बाद हम क्रॉच एरिया का लेंथ क्रॉच एरिया बनाएंगे और क्रॉच एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हिप डिवाइड बाय 4 + 1.5 इंच। मेरे पास जो मेज़रमेंट है अभी वो है 40। मेरा जो मेज़रमेंट है वो हिप का है 40 इंचेस। तो 40 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 10 आएगा और 10 में प्लस करेंगे 1.5 इंचेस, तो ये 11.5 इंचेस आएगा। तो यहाँ पर हम 11.5 इंचेस पे निशान लगाएंगे। 11.5 इंचेस पे हमने निशान लगाएंगे को इस तरीके से। इस तरीके से निशान लगा करके हम इसे यहाँ पर हमने 11.5 इंचेस का निशान लगाया और अब हम इसे स्ट्रेट लाइन यहाँ पर खींच देंगे। जो हमने ये 11.5 इंचेस का निशान लगाया था, अभी स्ट्रेट लाइन खींचना ज़रूरी नहीं है। अब ये जो हमने 11.5 इंचेस का क्रॉच एरिया का निशान लगाया था, उसके नीचे हम हिप्स का निशान लगाएंगे। तो हिप्स का फॉर्मूला होता है हिप्स डिवाइड बाय 4 + 2 इंचेस, यानी कि मेरी हिप है 40 इंचेस की, उसे 2 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा और प्लस 2 करेंगे 12 इंचेस आएगा। तो इस तरीके से मुझे 12 इंचेस पे निशान लगाना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने निशान लगा लिया है। अब इसे हम स्ट्रेट जो हमारा 11.5 इंचेस पे हमने लाइन
लगाई थी उससे हम निशान लगाई थी, इसे हम स्ट्रेट करेंगे, लाइन खींचेंगे यहाँ पर बीच में इस तरीके से। इंची टेप से मुझसे अच्छे से हुआ नहीं, इसलिए मैं स्केल की हेल्प से हल्की सी फिनिशिंग देने की कोशिश कर रही हूँ इस तरीके से। तो हो गया, और अब हमें मोहरी निकालना है। तो मोहरी का मोहरी हम 6 से 12 है, तो हम डायरेक्ट 6 भी कर सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इसका पूरा फॉर्मूला निकालेंगे। फिलहाल अभी क्रॉच एरिया का हम देखते हैं। 1.5 इंचेस पे हम क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे और इसे फ्रेंच कर्व की हेल्प से कर्वी शेप देंगे। इस तरीके से कर्व करेंगे इसको और कर्वी शेप देंगे। अब हम इस मेरे जो पैंट की लेंथ है वो है 36 इंचेस, तो यहाँ मैं 36 इंचेस पे निशान लगा रही हूँ इस तरीके से, और 2 इंचेस उसमें भी एक्स्ट्रा हम लेंगे मार्जिन, जैसा कि हमने ऊपर लिया था सेम उसी तरीके से 2 इंचेस नीचे भी मार्जिन लेंगे। इसलिए लेंगे क्योंकि जब हम मोहरी तैयार करेंगे तो वो 2 इंचेस जो हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं उसी में हम मोहरी तैयार करेंगे। इससे हमारी लेंथ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारी जो पैंट है वो बिल्कुल फिटिंग और अच्छी आएगी लेंथ वाइज भी। तो यहाँ पर मैंने जो है मेरी लेंथ है 36 इंचेस की, उसको मैंने स्केल के थ्रू स्ट्रेट लाइन खींच ली है। अब हम सेम वही करेंगे जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 2 इंचेस मुझे यहाँ भी एक्स्ट्रा लेना है, तो मैं यहाँ पर 2 इंचेस एक्स्ट्रा लूँगी, 2 इंच एक्स्ट्रा ले करके फिर उसे भी स्ट्रेट लाइन खींचूँगी वहाँ भी इस तरीके से। 2 इंचेस हम लेंगे और यहाँ पर मार्किंग करेंगे, खींचेंगे 2 इंच लिया। मेरे पास बहुत बड़ी जगह नहीं है, माफ़ करिएगा दोस्तों, तो मुझे ऐसे वीडियो शूट करना पड़ता है और बहुत सारे वीडियोस बनाने के लिए मेरे पास कोई मतलब होता है कुछ ज़्यादा मटेरियल्स वगैरह भी नहीं है, तो मैं इसलिए जितनी भी मेरे से हो सकता है जितने अच्छे तरीके से बताऊँ मैं बता देती हूँ। ये मैंने 2 इंचेस पे मार्क करके यहाँ पर इसको सही कर लिया, स्ट्रेट लाइन खींच ली। अब हमें मोहरी का हिस्सा निकालना है, तो मोहरी का हिस्सा निकालने के लिए हम इस क्रॉच एरिया टू हिप का हम हाफ लेंगे, देखेंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो हिस्सा भी हम कैसे लेंगे। ये मैंने यहाँ पर लाइन, इसको पूरा खींचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी समझ के लिए खींच रही हूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। और इस तरीके से यहाँ पर ऐसे लाइन खींचेंगे। तो क्रॉच मोहरी के लिए हम मेज़रमेंट लेंगे यहाँ से इस तरीके से। यहाँ की जो मेज़रमेंट मेरी आ रही है वो है 12 इंचेस, 12, तो 12 का हम हाफ करेंगे 6 आएगा। सिक्स इंचेस आया, 6 इंचेस किया हमने तो हमारा आएगा यहाँ पर क्रॉच एरिया हमने 12 लिया था, 6 इंचेस आया, 6 हाफ किया हमने, 6 जो हाफ किया था उसके ऊपर
हम यहाँ पर 3 इंचेस पे निशान लगाएंगे, हाफ करेंगे इसका भी, तो 6 उसका डिवाइड बाय 6 होगा और इसका 3 होगा, तो 3 पे मैं निशान लगाने वाली हूँ। एक बार हम फिर से नाप लेते हैं, हमारा ये 12 इंचेस आया है, 12 का हाफ 6 होता है, और यहाँ पर भी हम 6 रखेंगे और स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। 12 का हाफ 6 का हाफ होगा 3 तो 3 करके यहाँ पर हमें लाइन खींचनी है। ये हमने स्ट्रेट लाइन खींच ली है यहाँ पर इस तरीके से। हम यहाँ पर जो है हमारा ये हमने एरिया बना लिया है अपने उसका स्ट्रेट पैंट के लिए, मोहरी के लिए, तो मोहरी के लिए हमने बना लिया है। तो यहाँ पर हम रखेंगे मोहरी का जो हिस्सा है मेरा, वो उसका 12 था तो उसको डिवाइड बाय 6 किया, हाफ किया तो 6 आया। 1 इंचेस मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा इसलिए जा रही हूँ, इसे कर्व देना है। कर्व देने के लिए एक अलग से टूल आता है फ्रेंड्स, जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है अभी, तो मैं इस फ्री हैंड करूँगी इस तरीके से। आपके पास अगर बोन शेप का स्केल है तो आप उससे करें, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं इसे इस तरीके से कर रही हूँ। यहाँ पर मैं 1 इंच इसलिए हाफ गई थी क्योंकि हम जैसे कभी बैठते बैठते हैं या कुछ भी होता है तो हमारी जो पैंट है वो मसक सी जाती है या फिर कुछ इस टाइप का हो जाता है कि मसक जाना या फट जाना बैठने के साथ ही, तो ये 2-1 इंच अगर मैं इसे पॉइंट टू पॉइंट कट करती तो ये प्रॉब्लम्स आती। 1 इंच मैंने इसे नीचे रख कर किया ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ये इस तरीके से हमने लाइन्स ड्रॉ कर ली और अब हम इसे कट करेंगे बिल्कुल इसी की तरह तरीके से। इसको कर्व देने में मैं कामयाब नहीं हुई क्योंकि मेरा कर्व बहुत अच्छा नहीं आया है। अगर आप कर्व टूल से करते तो आपका शेप बहुत अच्छा से आएगा। मेरे पास कर्व टूल नहीं है इसलिए मैं हैंड फ्री हैंड की हूँ, और जिसके लिए जिसमें कर्व अच्छी नहीं आई है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और ये मैंने अपना फैब्रिक कट कर लिया। सेम इसी तरीके से हम, ये हमारा फ्रंट एरिया है और हमें अब अपना बैक एरिया कट करना है, तो इसी तरीके से हम अपना बैक एरिया भी कट करेंगे। फ्रेंड्स आपने देखा होगा मैंने 1/2 इंचेस यहाँ पर एक्स्ट्रा लेके कट किया है। एक्स्ट्रा हमने इसलिए लिया है इसमें 1/2 इंचेस कि हम स्टिचिंग वगैरह में कपड़े को लेते हैं, यूज़ करते हैं जो भी है हमारी स्टिचिंग के टाइम में, तो हमने 1/2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है। मैंने ड्राफ्ट करते टाइम आपको नहीं बताया था, सॉरी, बट मैं यहाँ पर मैंने वाकई में 1/2 इंच लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये सिर्फ स्टिचिंग के लिए लिए हैं, इसका बहुत बड़ा मेथड बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 1/2 इंचेस लेने से आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि आपकी जो कपड़ा है उसका अच्छे से इस्तेमाल हो पाए, आपके स्टिचिंग करने के बाद आपके कपड़ों को कोई प्रॉब्लम ना हो या आपको कोई दिक्कत ना हो उठने बैठने वगैरह में, तो इसलिए ये हमने यहाँ पर ट्रेस कर रख लिया है फ्रंट पैंट के हिस्से को पैक बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं इसे ट्रेस करूँगी बिल्कुल, ये इस तरीके से कर्व एरिया हम ट्रेस करेंगे। ये जो हमने यहाँ पर अपना हिस्सा ये ट्रेस कर लिया है, लेकिन ये जो क्रॉच का एरिया है मेरा, यहाँ पर हम 2 इंचेस एक्स्ट्रा रखेंगे, 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे यहाँ पर, वो इसलिए
क्योंकि हम अपने बैक पैंट की कटिंग में 2 inches एक्स्ट्रा इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि अगर हम अपने फ्रंट की तरह ही बैक को कट कर देंगे तो वो फिर वो पैंट में दिक्कत आ जाती है, या तो वो आपको बिल्कुल फिटिंग नहीं आएगी, या आपके पाँव जो है आपके पैर वो नहीं जा पाएंगे, या फट जाए, मसक जाए, इस टाइप की प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। इसलिए हम अपने बैक जो हमारा बैक हिस्सा है पैंट का उसको हम कट करने के टाइम 2 inches एक्स्ट्रा लेके चलते हैं क्रॉच एरिया की तरफ से। बाकी सारे जितनी भी कटिंग मतलब पैंट की है हमारी वो बिल्कुल सेम रहेगी। इस तरीके से हम 2 inches यहाँ तक लेके चलेंगे इस तरीके से। निशान लगाया हमने 2-2 inches पे, इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये हमने लगा लिया और अब हम इसे कट करने, ये हमारा कट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी लेडीज़ या बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि वो बैठते हैं तो उनकी जो पैंट है वो नीचे की तरफ से मतलब आ जाती है, तो उनकी प्रॉब्लम दूर करने के लिए यहाँ पर मैं 1 inch एक्स्ट्रा फैब्रिक लूँगी ऊपर से और उसे पॉइंट से इस तरीके से टेढ़ा करके लाइन ड्रॉ करूँगी। इससे आपको जो आपकी प्रॉब्लम्स होती है कि आपके पैंट बैठने के टाइम पैंट नीचे आ जाती है या कुछ भी, वो प्रॉब्लम्स आपको बिल्कुल नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ कर लिया और अब हम इसे कट करेंगे। तो मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। ये मैंने अपना फ्रंट और बैक दोनों कट कर लिया है। अब बारी आती है स्टिचिंग की, तो अब चलिए हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि पिनअप करके मैं आपको बताऊँगी कि हम इसकी स्टिचिंग किस तरीके से करेंगे। पहले हम क्रॉच एरिया को स्टिच करेंगे। ये मैंने पिनअप करना शुरू, पिनअप कर रही हूँ मैं। ये हमने इस तरीके से पिनअप करना शुरू कर दिया है। पर ये मैंने यहाँ पर अपना जो पैंट है उसको पिनअप कर लिया है। सेम इसी तरीके से फ्रंट के हिस्से को भी हम पिनअप करेंगे। हमने यहाँ पर अपना दूसरा पैंट भी स्टिच कर लिया है, पिनअप कर लिया है, सॉरी। इसको इसी तरीके से स्टिच करेंगे जिस तरीके से हमने पिनअप किया है, सेम उसी तरीके से इसको स्टिच करेंगे। तो मैं स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पर हमने अपने दोनों पैंट्स को क्रॉच एरिया से स्टिच कर लिया है। अब देखिए इस तरीके से, इतना फ्रंट और बैक स्टिच कर लिया है क्रॉच एरिया के तरफ से। अब हम बाकी के हिस्सों को स्टिच करेंगे। हमने सीधा किया कपड़े, उल्टे उल्टे साइड में दोनों को रखेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से और इसको इस तरीके, ये गलत तरीके से मैं अभी बताने के लिए रखी हूँ। इसको फ्रंट फ्रंट एरिया को फ्रंट फ्रंट की तरफ रखेंगे और बैक बैक को रखेंगे ऐसे। तो इसको मैं पिनअप करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से हमने पिनअप कर लिया है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी इसको पिनअप कर चुकी हूँ और ये जो एरिया मैंने छोड़ा है इसको भी हम स्टिच करेंगे, लेकिन बेल्ट बनाने के बाद। पहले हम ऊपर का बेल्ट तैयार करेंगे, उसके बाद
ये जो बचा हुआ एरिया है जो मैंने अभी छोड़ा है बिना पिनअप किए उसे स्टिच करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से ये 2 इंच का हमने रखा था उसकी बेल्ट लगाने के बाद हम इसे स्टिच करेंगे और इसी तरीके से ये जो मोड़ी है मेरी नीचे की इसको भी तैयार करेंगे। तो अब हम इन सबको स्टिच करते हैं, जिनको पिनअप किया है उसे भी और जिन्हें नहीं किया है उसे भी। इस तरीके से ये मैंने यहाँ पर जो पिनअप किया था वो एरिया मैंने स्टिच कर लिया है दोनों साइड से, और ये जो बचा हुआ मैंने कपड़ा छोड़ रखा था पहले से ही उसको हम बाद में स्टिच करेंगे जब हम बेल्ट बना लेंगे। और अपना वी शेप का ये जो मेरा नीचे का हिस्सा है इसे भी हम इसी तरीके से ऐसे स्टिच करेंगे, इस तरीके से रख करके स्टिच करेंगे। उससे पहले हम ये जो मोहरी है हमारी इसे बनाएंगे इस तरीके से रख के। बिल्कुल इस तरीके से रख के हम मोहरी तैयार करेंगे। इसी तरीके से हाफ इंच मोड़ेंगे और हाफ इंच अंदर एक बार और जाएगा। इस तरीके से वी पॉइंट भी हम स्टिच करके दिखाएंगे। जैसे हमने पिनअप किया है मोहरी को इसी तरीके से बेल्ट भी तैयार होगी, इसी तरीके से मोड़ करके बेल्ट को भी तैयार करेंगे। बिल्कुल अब मैं आपको ये पूरा जो पैंट है इसे पूरी तरीके से स्टिच करके अब आपको दिखाऊंगी। ये मेरी पैंट बिल्कुल तैयार है, मैंने इसको बिल्कुल तैयार कर लिया है स्टिच करके। तो प्लीज़ आप मुझे ये बताएं कि मेरा ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर मेरा ये वीडियो आज का आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो इसकी मेज़रमेंट को लेके या किसी भी चीज़ के लेके तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ ही मुझे सपोर्ट करें। बाय।